व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज की वीडियो में मैंने मंगाया भाई थोड़ी बहुत गन्स और टॉयज। और लास्ट वाली गन तो भाई धमाका मचा देगी, मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो पहली चीज़ ये है जो मैंने घर पे बनाई है। ओ ये भाई लगती है यार, ये भाई मेरी बहन का ना, इसने हाथ छील दिया था। ये कृपान बनाई है मैंने, ये A3 वाली मोटी जो शीट होती है ना, आप लेना किसी दिन, 5 रुपये की एक आती है या फिर 10 की एक आती है ज़्यादा मोटी वाली। तो 10 की मैंने 5-6 शीट ली थी 10 रुपये की, 60 रुपये की, तो 100 रुपये की गन है। और उसमें मैंने पेंटिंग वेंटिंग करके ग्लू लगाई है ऊपर, और वो जो होता है ना रेजिन टाइप होता है जो, तो वो मैंने लगाया, फिर ये हार्ड हो गया एकदम साइड में, एकदम ग्लू रेजिन भर भर के। तो अब ये ऐसी है भाई, टच करने पर इतनी तीखी है रेजिन की वजह से। ये मैंने घर पर बनाई। उसके बाद भाई ये आती है अपनी गन, इसका मजा ही अलग है। और ये भाई देखो, ये शहद नहीं है भाई, इसके अंदर मैंने छर्रे डाले हुए हैं, ऐसे बहुत हैं। ये तो मैंने एक गन के डब्बे खोल लिया था, उसके आंकड़ा गिर गया। हाँ भाई, अब है हमारे पास ये वाली गन, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, रुको एक सेकेंड, बस 2 मिनट भाई। ये वाली गन, इसका ये लेज़र ना इस गन की पूरी लुक ख़राब कर दे। और अच्छी बात है, लेज़र हटा सकते हैं। ये गन के रियल वाले डिब्बे में आता है, इसे खोलते हैं और इसमें से निकलता है ये। उसकी बुलेट्स मैंने वो हनी के डब्बे में डाल चुका हूँ। ये देखो, उसके ऊपर ही लगा, ऊपर भी लगा सकते हैं लेजर, शायद ऊपर ही लगा हुआ लगाने का। और भाई ये यहाँ पे ये ग्लोव वाली फीलिंग देने के लिए, ये देखो कितना गंदा लग रहा है, अब एकदम सही लगेगा। ओ भाई, अब अगर मैं कहीं बाई चांस से लेके भी जाऊँगा ना, सबको लगेगा कि ये एक छर्रे वाली गन आती है ना, नॉन लाइसेंस्ड, ये ऐसा लग रहा है कि वो वाली गन। भाई अबे चल गई है तो भाई, आवाज जो आई तेज की। और इसको लोड करने में भी एकदम वो वाली भाड़ निकलती है, जब दिखा दो देखो ये निकलता बाहर, वो रियल वाली फीलिंग देता है। और जैसे भाई अगर मैं ये वाली गन इस पर चलाऊं, मे भी ये टूट जाए, मेरे को तोड़ना नहीं है भाई। अगर ये टूटा तो फिर तो सब टूट गया, क्योंकि सारी बुलेट निकलने लग जाएंगे। मैं ये नहीं तोड़ रहा, पर जो AK-47 है ना, हाँ बैग क्यों बता दिया मैंने, छोड़ो। अगर मैं इसे करूँगा तो शायद ये वाली गन इसे तोड़ दे अपने छर्रों से। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि तोड़े ना और बुलेट टूट जाए, या फिर नहीं टूटे और वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। पर AK-47 जो अलग गन है, लास्ट वाली जो भाई मेगा गन है भाई, मेगा तो बहुत महंगी आई है, 2000 रुपये की आई है क्वालिटी वाली। आपको अमेजोन पे 1900-1600 की भी मिल जाएगी, पर वो 2000 की आई है, एकदम बेस्ट क्वालिटी मेटल वो भी। ये देखो भाई, ये है अच्छी गन है, देखने में भी बड़ी सही है। और कोई बंदा अगर देखेगा भी ना, धोखा खा जाएगा, वो कहेगा कि भाई ये असली गन है, असली सही है भाई। और इसमें आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये एकदम वो असली फीलिंग आती है। ये देखो अबे भाई, ये नीचे गिर गया, कट कर दो। ये देखो, ये ऐसे करने पे ये नीचे आता है, ये मतलब ऐसे डायरेक्टली भी आ सकता है, ऐसे डायरेक्टली, मतलब मैंने कभी हाथ था ऐसे आ सकते हैं। अब इसमें ऐसे 3 बुलेट डली हुई हैं, 1, 2, 3, और ये नीचे इसमें 16-17 गोलियां आ जाएगी छर्रे। और इसमें मज़ा तो तब आएगा जब ये ऐसे करेंगे। ये मैगजीन है इसकी, इसका है भाई ये वाला जो मुंह होता है ना बुलेट का, ये फायरिंग वाली साइड पर होना चाहिए, उस साइड ऐसे डाल के इसको ऐसे पकड़ के, जब कभी मूवी बनानी होती है ना, तो ऐसे किया करो भाई, ऐसे होता है उसमें, वो जानबूझ के ना
एक्टर्स दिखाते हैं ऐसा ऐसे पॉपुलर के फिर शूट। और भाई एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है इसमें, एकदम ग्लॉक 17 की तरह आई, पर इसमें ग्लॉक 17 के की तरह ऑटोमेटिक नहीं है ना, वो बात है। ये देखो भाई इसमें जो ये चीज़ है ना, ये बड़ी सही लग रही है, और इसको हैंडी है, ये हम ऐसे पॉकेट में डाल सकते हैं, तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे डाल के कहीं भी जा सकते हो, कुछ होए तो फिर निकाल के ठक। तो ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लास्ट में, पहले इस गन की भी टेस्टिंग सारी गन्स की लास्ट में करेंगे। और ये इस गन की लेज़र है जिसकी चिप निकाल के फेंको। ओ भाई ये सही लेज़र है, वो कहीं कैमरा ख़राब ना हो जाए, कैमरा नहीं होगा अच्छी क्वालिटी का कैमरा, फिर अपनी गन रखते हैं बस। भाई एकदम रियल डब्बे में आती है, देखो सर पबजी की गन है वो कहीं। भाई अब अगली गन है ये, दिखाता हूँ पहले, गन ही इतनी बड़ी है तुम देख के ही शॉक हो जाओ। इतनी बड़ी है मेरे एक हाथ जितनी है, वही देखो एक हाथ जितनी गन है। ओ भाई कितनी बड़ी है, मेरे जैसे चार मुंह आ जाएंगे इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी गन है भाई। दूर से दिखाता हूँ, अब देखो कितनी बड़ी है भाई। अब इसे खोलते हैं, चक्कू कहाँ है भाई, मेरा चक्कू घूम गया, वो पंचिंग मशीन पड़ी है, ऐसे कर लेते हैं मशीन इससे काटते हैं, और पंचिंग मशीन से काट सकते हैं शायद। कट गया, बहुत तगड़ी आवाज आ रही है, डब्बे के अंदर लब्बा मतलब थैले के अंदर लब्बा। ये दूर फेंको, मेरा एड्रेस शायद तुम्हें दिख गया होगा, नहीं दिख रहा होगा छोड़ो भाई। ये देखो ये डब्बा है, ये और बड़ा, ये मेरे एक हाथ से बड़ा ही है, एक हाथ से तो बड़ा ही है, हाथ कम पड़ेगा भाई, एक हाथ जितना ही है टोटल, टोटल एक हाथ जितना। अब तुम्हें इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलने के लिए क्या करूँगा, कंपास होगा मेरे पास, मैं उठ के तो नहीं जाऊँगा भाई बाहर कैंची लेने, घर पे कैंची है मतलब रूम के बाहर जाऊँगा। ये मेरा कंपास देसी भाई, ऐसे करके देसी जुगाड़ होते हैं। रुको मैं सबको तोड़ के मिलता हूँ भाई, बहुत थक गया, गन अनबॉक्स कर दी। और भाई ऐसे जैसे 10-15 पैकेट थे, और ये पूरी डब्बी भर चुकी है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये पूरी डब्बी भर चुकी है, और बहुत भारी हो गई है क्योंकि बुलेट भी बहुत भारी है इसकी। और ये देखो ये अपनी गन है दुनाली भाई, दुनाली अभी अंत दुनाली होती है, ये वही है दुनाली है, ऐसी होती है जो उसके पीछे कुछ ये वे नहीं होता, ऐसे पकड़ के सीधे ऐसे चलाते हैं पट। ये इसका ये है, इसके आगे यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है साइलेंसर, मेरे को साइलेंसर नहीं करना, मेरा तो आवाज़ निकालनी है। इसमें लगा दिया, उसके बाद ये इसकी भाई इसकी भी ले जाए, अबे चिप तो निकालो, इसमें क्या सी लाइट है, लाइट भी जल रही है इसकी लाइट, वो वाली लाइट से ज्यादा अच्छा है, इसकी लाइट ज्यादा अच्छी है वो वाली लाइट से, ठीक है। अब ये हमें ये मिला, ये भाई इसमें पूरा वुडन टेक्सचर है,
जो बंदे जिनके पास भी 1000 वाली या 600 की गन होगी ना, ये सेम चाहे AK-47 हो, तो भाई इसमें ये बना है ऐसे खींचेंगे तो वो नीचे होगा फिर लगेगा। हाँ जिनके पास भी 600 या 1000 या 1500 की गन होगी उसमें ये वाला टेक्सचर नहीं होगा, 1500 वाले में हो सकते में भी, पर ये वाला टेक्सचर नहीं होगा, उसमें एकदम प्लेन प्लास्टिक होगा और उसमें टेक्सचर ही ऐसा होगा। यहाँ पे लेजर लगेगी और भाई इसकी पावर, और आप सोच रहे होगे ये तो बच्चों वाली लगेगी, तो आप सोच रहे होगे कि यार ये तो आना ही नहीं चाहिए था, तो भाई अगर आप चाहो तो हम इसे हटा भी सकते हैं, पर छोड़ा सही है, अच्छी है, सही है। और चलती बहुत तेज है, ये देखो ये लोडिंग का है, ये देखो हाँ से इसको ऐसे खींचेंगे तो लोडिंग हो जाएगी, ये वाली चीज़ को खींच कर एक सेकेंड प्रैंक हो गया। भाई पेमेंट रुको यार, तो गाइस मैंने अटैच कर दिया, अब ये लग रही है एकदम सही है AK-47। और भाई अभी भी इसमें ना मुझे एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ये देखो भाई ये ना अंदर पूरा नहीं घुस रही, वो बात है अगर मैं इसको निकालूंगा ना तो एकदम और रियल लगेगी, क्योंकि जितने भी टॉयज होते हैं उनमें ये लगा होता है हर में, तो अगर मैं ये निकालूंगा तो शायद ही थोड़ा रियल लगे। तो अब मैं गाइस इसमें मैगजीन डालूँगा, ये मैगजीन है, और पहले मैं अपनी बुलेट्स निकली तो पहले मैगजीन को लोड कर दे, भाई मैं करके देता हूँ यार। तो गाइस मैंने मैगजीन भर दिया और मैगजीन में मैंने ये भी लगा दिया, मतलब गन में मैगजीन लगा दिया और मैगजीन भी भर दिया। अबे बुलेट गिर गई मेरे पीछे भाई, तीन तीन बुलेट भाई, मैगजीन भी ऐसा वैसा काम नहीं है भाई। अगर आपको लेनी है ना ये गन भाई, अगर आपको ये गन लेनी है तो भाई ऐसा वैसा कोई काम नहीं है। और भाई अब मैं करूँगा टेस्टिंग, इसको मैं फुल रिलोड कर दिया और अपनी माउजर को भी रिलोड करते हैं, रुको माउजर को रिलोड करते हैं, रुको अभी रिलोड करते हैं। ओ भाई क्या है भाई, भाई डब्बे का कुछ नहीं करता, डब्बा फेंक करूं बना देता हूँ डब्बा, कहीं कभी काम आ रहा है, ये रख लेता हूँ गन और एक मिनट खाता। तो चलो भाई ये गन ना भाई रियल लगती है, तो उबे लोड थी ये तो, ये लो भाई दो दो बुलेट फेंक लिए इसमें से, गाइस तीन तीन बुलेट फेंक लिए, ये इसमें ब्लॉक वाली फीलिंग आती है इस चीज़ से, ये जो लगा हुआ है भाई मैं कर रहा हूँ गन में ये डाल रहा हूँ, उसके बाद करेंगे भाई। तो भाई मैंने मैगजीन लोड कर दिया, वीडी की स्पेशल मैगजीन है, अपन ब्लॉक लेंगे हाँ इस तरह से, उल्टा लोड होता है, उल्टा लोड ही है ये, क्या हो रहा
तो भाई अब मैं आपको मैगजीन लोड कर रहा हूँ, आपको डाल के सीधा टेस्टिंग वाली जगह पे लेके जाता हूँ। भाई अब बहुत प्रेशर से निकलेगी क्योंकि मैंने इसमें फुल कर दिया, फुल फुल से वो फुल हो गया है, तो मैंने फुल कर दिया। अब एक एक गोली बहुत तेज, पहली गोली तो इतनी तेज़ निकलेगी आप सोच नहीं सकते। नहीं इसके अंदर भरी हुई है ये क्या, चला के देखना पड़ेगा। भाई इसका लोडर बहुत ज़्यादा टाइट है, बाहर चला के आता हूँ 2 मिनट। चलो भाई अब चलते हैं टेस्टिंग वाली जगह पे। टेस्टिंग कहाँ करूँ, चूहा पेपर पे करें, प्लास्टिक पे करते हैं। प्लास्टिक को मेरी 1K47 तो आर पार कर देगी। जैसे ये प्लास्टिक है, मान लो ये प्लास्टिक है, ये यहाँ से जाएगी मेरी गोली और यहाँ से जाके इसको तोड़ के निकल के आ जाएगी। इतनी पावरफुल होगी क्योंकि मैंने पहली भी ली हुई है, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, आपको दिखा नहीं पाया, सॉरी भाई। अब दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई, ये ना एकदम रियल लगती है पट, और इसको हाथ में पकड़ना, जो भी लग फायर करते हैं वो क्या भाई, कुछ हो गया हमारी गन को। भाई गन नहीं चल रही, रुको भाई। चलो भाई कबूतर को मार के आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। देखना, ये रहा कबूतर बंदा, ये रहा दिख रहा है आपको, वो कबूतर बैठा। उबे हो भाई, लोड करके वापस करता हूँ, रुको भाई। कबूतर पे तो निशाने नहीं लग रहा, कबूतर ही भाग गया भाई। इसको आवाज़ थोड़ी डर की लगी, नहीं मेरे को ये सही लगा इस गन का, एकदम ग्लॉक ऐसा लगता है कि ग्लॉक ही है। अब भाई अब मैगजीन में सिर्फ 4 गोलियाँ बची हैं और मेरे पास अभी बहुत है ढेर। ये ख़त्म हो जाती है ना, अमेजोन से 200 का एक डब्बा आता है, उसमें इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बोतल आती है, उसके अंदर भरी हुई होती है। भाई मैं तुम्हें 2 मिनट में मिलता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में इसकी एक प्रॉब्लम सही करते हैं। ओए निकल गई भाई, अब मैं उन बुलेट्स को वापस यूज नहीं करूँगा क्योंकि वो फटी हुई थी, वो टूटी हुई थी। अब हमारी गन चलेगी एकदम अच्छे से विद नो प्रॉब्लम। भाई लोड कर दिया भाई, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, शायद दुनिया की मेरी चैनल पर शायद सबसे लंबी वीडियो होगी मेरे को आज लग रहा है। अब भाई चलती है, अब चलते हैं, अब मारते हैं। अब लगता है लगातार बहुत सारी गोलियाँ निकल गई क्योंकि एंड लिमिट तक रिंग आ गई है इसका। अब मारते हैं, आ जाओ निशाने ठोक। चलो भाई किसे मारे, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ किस जगह पे मारे, ठीक है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको मेरे घर के बाहर है, मैं जहाँ पे मारूँगा तुम बताना। मैं मारूँगा, चलो देखो वो जो खिड़की है ना, वो खिड़की नहीं वो तो उनका घर है। यार कहाँ मारूँ, अब देखो गाइस ये जो कबूतर बैठा है ना इसको मारते हैं। अबे लोड ही नहीं है भाई गन, गन लोड तो करने दो। शायद लोड हो गई, अबे लोड नहीं हो रही है, रुको भाई लोड करता हूँ। अब लोड हो गया, हो क्या गया गन को गाइस? तो भाई माउजर गन को तो कुछ हो गया, बाद में सही हो जाएगा। इसके निशाने भी अच्छे लग रहे हैं, बस रेंज थोड़ी कम है, पर भाई 1K47 अगर मैं उस कबूतर को मारूं तो शायद वो उस तरफ गिर जाएगा। भाई मारते हैं 1K47 से, दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। तो गाइस यहाँ पे वो है, अगर मैं ऊपर मारूँ तो ऊपर नहीं लगा, तो एक पर्टिकुलर निशान लगाता हूँ कबूतर पे। भाई लोड ही नहीं है मेरी तो, पर ऊपर मुक्कर लगी है तो गाइस इसको यहाँ ले गया, घर पे लगाते हैं निशाना यार, इसको
कांच है ऊपर, चलो वैसे मैच। तो भाई ये अपन निशाना सेट कर दिया, ठीक है। पहले मैं इसको लोड करता हूँ, एक मिनट रुको। तो भाई मैंने अब जूम कर दिया है, अब देखना तुम। भाई वो जो वाइट पेपर है ना, वाइट पेपर लगाऊंगा उस पर, जिस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है भाई, ये वाला वाइट पेपर, वहाँ पे मैं शॉट लगाऊंगा। तो बाद में तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पे ही लगा। पहले लेज़र ले लेता हूँ भाई, ये देखो ये लेज़र लगा दिया, लगाने वाला हूँ। ये भाई लेज़र लगा दिया, दूसरी लेज़र जो मिली थी ना माउज़र के साथ, वो भी लगा देते हैं। टू स्मॉल वो नहीं आ रही, वो बहुत छोटी है। चलो लगाते हैं, निशाना लगाएं। भाई बुलेट ही नहीं थी, या फिर लोड, लोड तो था। आवाज आई आपको हर देर तक, मेरी आवाज आई है। बुलेट शो भाई, अब चलेगी। मैगजीन लगाई, ऑटोमेटिक बन जाएगी थी। मैं बोल रही हूँ कैमरे में आ रही है लाइट। चलो भाई अब अच्छा टोचन मुकाबला होगा, अब देखना भाई। भाई अब मारता हूँ, ये देखना यहाँ पे हूँ। भाई अब चेक करके आता हूँ कि लगी है वहाँ पे या नहीं लगी। रुको भाई एक मिनट। भाई आंटी आ गई थी तो सारा सेटअप हटाना पड़ा। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या निशान है, मेरे को भी नहीं पता। और मेरे को पता नहीं था कि लेज़र काम करती हूँ, लेज़र काम कर रही है। मैं देख के आ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। भाई बुलेट पता नहीं कहाँ चली गई, पर यहाँ पे ये छेद हुआ है, ये देखो। अबे यार तुमने मेरा पता नहीं दिखाना, बस वो नहीं देखना चाहिए। ये देखो ये बुलेट लगी है, और ये एक सेकेंड, वो बुलेट है क्या, बुलेट अंदर चली गई। वो देखो वो रही, अबे बुलेट है वो, तो बुलेट वहां पे छप गई भाई। ये देखो ये तो बुलेट छपी हुई है, बुलेट गई हुई है और निकली कैसे हुई है। ओ भाई भाई साहब, भाई खतरनाक चीज़ है। और अभी गत्ते पे ये बुलेट काम करना बहुत बड़ी बात है, पर मैं ट्राई करूँगा प्लास्टिक पे। प्लास्टिक में तोड़ूँ क्या मैं, बिकट तोड़ूँ, नहीं नहीं क्या तोड़ूँ भाई, लोटे पे छेद करके देखता हूँ क्या वो अंदर पे छाएगा लोटे। भाई ये लोटा मैं थोड़े बड़े बड़े छेद हुए हैं, मैं छेद करूँगा इस जगह पे, ठीक है। ट्राई करते हैं, तुम जाओ ये लोटा वहाँ पे सेट करके आता हूँ। भाई लोटा सेट कर दिया, तुम्हें दिख रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, ये लोटा सेट किया हुआ हमने। अब अपनी गन भी लोड करते हैं, अभी गन भी लोड होने वाली है, अब तो पक्का हो रही होगी। भाई ये गोली मेरे को क्या है, बोली गई है, अब फायर होगा।
अब भाई मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके करूँगा। छोटा सा लोटा कहीं भी लग जाएगी तो मैं ऊपर कांच है तो मैं ध्यान से पास जाके दिखाता हूँ कि वो छेद कर रहा है। गोली को प्रेशर इतना था, मैं दबा के रखा होगा तो तब भी गोली बाहर आई है। दो दो गोली भाई साहब, लौटे की जैसी तैसी है भाई। चलो मेरे पास ना एक और लेजर है भाई, मेरे पास ना एक 2000 की उजी SMG थी। ये तो ये भी 2000 की है, वो भी 2000, ये